हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे वार्निंग साइंस के बारे में जो हमें थोड़ा सा आइडिया दे सकते हैं कि हमें ओपीडी का वेट नहीं करना है और हमें इमरजेंसी में जाना है। क्योंकि फ्रेंड्स, मैंने देखा है प्रेगनेंसी एक ऐसा टाइम होता है जहां हर कोई प्रेग्नेंट फीमेल को एडवाइस करना चाहता है, चाहे वो मदर हो, मदर इन लॉ हो, पड़ोसी हो, सहेली हो, फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, हर कोई अपने तरीके से एडवाइस करना चाहता है। लेकिन मकसद सभी का एक ही होता है कि दे आर ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, वो आपकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन हम हर किसी को एक जैसी एडवाइस नहीं दे सकते, क्योंकि हर किसी का शरीर अलग होता है, हर किसी का शरीर प्रेगनेंसी के हॉर्मोन्स को लेकर अलग तरीके से रिस्पॉन्ड करता है। लेकिन हाँ, कुछ ऐसे वार्निंग साइंस हम ज़रूर बता सकते हैं जिसके लिए हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि हाँ, हमें अब इसके लिए ओपीडी का वेट नहीं करना है और तुरंत हॉस्पिटल में जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट साइन है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है। फ्रेंड्स, वॉमिटिंग के लिए मैंने अपने वीडियो में पहले भी बताया हुआ है कि ठीक है, वॉमिटिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में बहुत ज़्यादा कॉमन होती है। 9 मंथ्स में ये बीटा एचसीजी हार्मोन की वजह से बहुत ज़्यादा होती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। लेकिन यहाँ पर मेरा बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होने से मतलब ये है कि अगर इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हो रही है कि आप का वेट लूज़ हो रहा है और आपकी स्किन डिहाइड्रेशन के साइंस शो कर रही है, यानी कि जो है बहुत ज़्यादा जो है स्किन ड्राई हो रही है, स्किन की जो इलास्टिसिटी है, जो खिंचावपन है, वो जो है वो बढ़ गया है, आपकी जो टंग है वो वाइट कोट हो गई है, यानी कि बिल्कुल जो है सूख सी रही है, तो आपको जो है डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। क्योंकि जो है वो हो सकता है आपको कुछ ऐसी दवाइयाँ दें आपको, अगर हो सकता है कि अगर बीपी वॉमिटिंग की वजह से इतना ज़्यादा कम हो रहा है तो फ्लूइड्स चढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो ये सब जो है डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं। दूसरी बात, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग तो आपको चाहे प्रेगनेंसी के किसी भी महीने में हो तो आपको डॉक्टर को दिखाना ही दिखाना है। लेकिन हाँ, क्योंकि जो है अगर ब्लीडिंग फर्स्ट 3 मंथ्स में हो रही है तो ये अबॉर्शन को भी इंडिकेट कर सकती है, यानी कि जो है हो सकता है कि जो है बॉडी आपको एक वार्निंग साइन दे रही हो कि भी जो है कुछ ऐसी जो है अबॉर्शन की तरफ ना चली जाए आपकी बॉडी। तो डॉक्टर आपको उस टाइम पे एग्जामिन करके बता सकते हैं, कुछ ऐसी मेडिसिन दे सकते हैं जिससे कि जो है आपका अबॉर्शन का प्रोसेस रुक सकता है। दूसरी बात यह है कि उस टाइम पे हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड भी आपका आपके जो डॉक्टर हैं आपको एडवाइज़ करें, तो उसमें जो है हम बच्चे की धड़कन देख सकते हैं कि बच्चा सही है या नहीं, या फिर जो है कई बार जो है अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें ये भी पता लग सकता है कि कहीं जो अवल नाल है बच्चे की, यानी कि जो प्लेसेंटा है, वो लो लाइंग तो नहीं है, बच्चेदानी के मुँह पर तो नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा है तो वो आपको प्रिकॉशंस भी बताएंगे ताकि आपको आगे ये ब्लीडिंग ना हो। और अगर ये ब्लीडिंग लास्ट के मंथ्स में हो रही है तो हो सकता है ये लेबर पेन को भी इंडिकेट कर रहा हो, क्योंकि ये जो है इसको कभी कभी हम जो है शो भी कहते हैं, यानी कि जो है लेबर पेन की जस्ट शुरुआत में जब म्यूकस प्लग ये निकलता है तो भी ये इंडिकेट कर सकता है, तो आपको जाना ही जाना है। थर्ड वार्निंग साइन है अगर आपको बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा है, हाई ग्रेड फीवर हम कहते हैं, अगर 103 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा अगर आपको फीवर है तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना है। फोर्थ साइन, या अगर आपके बॉडी पर फीवर के साथ दाने भी हो गए हैं, रैशेज हो गए हैं, तो भी आपको दिखाना है, कि क्योंकि हो सकता है अगर आपको बचपन में चिकन पॉक्स ना हुआ हो तो प्रेगनेंसी के टाइम अगर चिकन पॉक्स हो रहा है तो भी आपको जो है डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि उसके लिए उस वक्त जो है वो दवाइयाँ जो होती है वो अलग होती हैं, तो वो आपको डॉक्टरी सलाह पर लेनी है, तो तब भी आपको जो है डॉक्टर को दिखाना है। साथ ही में अगर लास्ट के 3-4 मंथ्स में अगर बच्चा कम घूमता है, कम घूमने से मेरा मतलब है कि नॉर्मली जो है बच्चा दिन में कम से कम 10 बार घूमना चाहिए, अगर वो 10 बार से कम घूम रहा है तो भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। बाकी अगर आपका सांस फूलता है, जो कि एक खून की कमी का लक्षण भी हो सकता है, या फिर बॉडी में अगर खून के थक्के जम रहे हों, जो कि बहुत रेयर लेकिन कॉम्प्लिकेशन है, तब भी आपको डॉक्टर को दिखाना होता है। और अगर आपका बीपी हाई रहता है और उस वक्त आपको जो है आंखों से कम दिख रहा है, चक्कर आ रहे हैं, या फिर जो है डिजीनेस हो रही है, वॉमिटिंग हो रही है, तो भी आपको डॉक्टर को इमरजेंसी में दिखाना चाहिए। साथ ही में जैसे कि अगर स्पेशली अगर लास्ट के महीनों में अगर आपको जैसे पेन हो रहा है,
पेन, अब आप कैसे पता चलाएंगे कि ये जो है, मतलब आपको कुछ आइडिया लग सकता है कि ये लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन्स हैं। तो जो जिन जो प्रेग्नेंट फीमेल्स, यानी कि जिनका सेकेंड या थर्ड बेबी होता है, तो उन्हें आइडिया लग जाता है कि ये वैसा वाला पेन नहीं है। तो अब वो पेन कैसे आपको पता चले कि हाँ ये लेबर पेन है? अगर आपका पेन जो है फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी में बढ़ जाए, यानी कि पहले अगर जो है पेन आपको एक एक दिन में आ रहा था, दो दो दिन में आ रहा था, और अब वो जो है पेन आपको हर एक घंटे में आ रहा है, आधे घंटे में आ रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, इंटेंसिटी बढ़ जाना, यानी कि जो है पहले जो दर्द जो था आपका 1 मिनट रह रहा था या 2 मिनट रह रहा था, अब वो जो है उसकी जो है इन ड्यूरेशन बढ़ गई है, इंटेंसिटी पहले कम था और अब ज़्यादा हो गया है, तो ये भी जो है एक लेबर पेन के साइंस होते हैं। तो ये भी जो है आपको, अगर ऐसा होता है तो भी आपको अस्पताल में जाना चाहिए। ब्लीडिंग हो रही है, जैसा कि मैंने बताया लास्ट के महीने में अगर ब्लीडिंग होती है तो वो एक साइन होता है लेबर पेन शुरू होने का, तब भी आपको जाना चाहिए। लीकिंग हो रही है, लीकिंग चाहे आपको कभी भी हो, यानी कि लीकिंग का मतलब होता है जो बच्चे के आसपास प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसको हम वाटर बैग भी कहते हैं, अगर वो फट जाता है तो बिल्कुल पानी जो है बिना रुके जो है चलने लगता है, तो भी आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक ऐसे इम्पॉर्टेंट साइंस हैं जिसमें आपको हॉस्पिटल जाना ही होता है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर इन बातों पे ध्यान रखेंगे तो आप शायद बच सकते हैं कॉम्प्लिकेशन से। तो अब ऑल इन ऑल अगर मैं कहूँ तो मैंने आपको 7-8 साइंस ऐसे बताए हैं जिसके लिए आपको ओपीडी का वेट नहीं करना है और इमरजेंसी में तुरंत जाना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।